अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस महरीन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। टुडे इज़ 21st August 2020 फ्राइडे। दिस इज़ अवर इंग्लिश डिक्शनरी क्लास वीक नंबर 17। स्टूडेंट्स, इन दिस वीक वी विल लर्न न्यू वर्ड्स, देयर स्पेलिंग्स, देयर मीनिंग्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। So please take out your English dictionary books and open the page number 30. This is the page number 30. Students, today we will learn the words of letter D. Our first word is deaf. D-E-A-F. Deaf. Do you look at this word carefully? A word where two vowels came together. इसको देखकर आपके माइंड में एक स्टोरी हो गई आ गई होगी कि एक ऐसा वर्ड जिसमें टू वाउल्स एक साथ आ जाएं, उसमें क्या होता है। सेकंड वाला वाउल साइलेंटली स्टैंड हो जाता है और फर्स्ट वाला वाउल जो है वो अपने नेम से रिप्रेजेंट होने लगता है और अपने साउंड से रिप्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह इस वर्ड में ई और ए टू वाउल्स एक साथ आ रहे हैं, तो ए जो है वो ई की रिस्पेक्ट में साइलेंट स्टैंड हो गया है और ई जो है वो अपने नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। डेफ, डी ई ए एफ, डेफ। डेफ कहते हैं बहरे को, जो ऐसा शख्स जो कि सुन नहीं सकता। समवन हु इज़ डेफ कैन नॉट हियर एट ऑल। एक ऐसा शख्स जो कि सुन नहीं सकता उसको डेफ कहते हैं। द ओल्ड मैन इज डेफ। यहाँ जो ओल्ड मैन है वो सुन नहीं सकते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डियर, डी ई ई आर, डियर। अ डियर इज अ लार्ज वाइल्ड मैमल। डियर जो है किसको कहते हैं, हिरन को। ये एक बहुत लार्ज और वाइल्ड मैमल होता है। अ मेल डियर हैज लार्ज हॉर्न्स कॉल्ड एंटलर्स। नाउ कम टू द पेज नंबर 31। हमारा थर्ड वर्ड है डेन, डी ई एन, डेन। अ डेन इज द होम ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। डेन जो है वो एक वाइल्ड एनिमल के होम को कहते हैं। द लायन लिव्स इन अ डेन। लाइन जो है वो डेन में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइस। स्टूडेंट्स, इस वर्ड को पढ़ने से पहले यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है, तो इसको प्लीज़ ठीक कर लें। ये वर्ड डाई नहीं है, ये वर्ड है डाइस, डी आई सी ई, डाइस। अ डाइस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक और मेटल। डाइस जो है वो छोटा सा पीस होता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। एंड इट हैज सिक्स साइड्स, और इसकी सिक्स साइड्स होती हैं। मैनी इंडोर गेम्स आर प्लेड विद डाइस। बहुत सी जो गेम्स होती हैं आपने देखा होगा, बहुत सी ऐसी गेम्स होती हैं जो कि डाइस से खेलते हैं हम। हमारा लास्ट वर्ड है डिक, डी आई जी, डिक। डिक मीन्स खोदना। टू डिक मीन्स टू मेक अ होल इन द सॉइल विद अ टूल। डिक का मतलब होता है खोदने का मतलब होता है कि सॉइल में या फिर ग्राउंड में होल बना देना टूल की हेल्प से। इन दिस पिक्चर ही इज डिगिंग द ग्राउंड विद अ स्पेड। स्टूडेंट्स, नाउ कम हियर, दीज आर द वर्ड्स विच वी लर्न टूडे, और अब हम इनके स्पेलिंग्स को लर्न करते हैं। दीज ऑल वर्ड्स आर सिंगल सैलेबल वर्ड। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिंगल सैलेबल हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, डेफ, डी ई ए एफ, डेफ। हमारा सेकंड वर्ड है डियर, डी ई ई आर, डियर। हमारा थर्ड वर्ड है डेन, डी ई एन, डेन। हमारा फोर्थ वर्ड है डाइस, डी आई सी ई, डाइस। हमारा फिफ्थ वर्ड है डिग, डी
आई जी डिक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रिपीट दीज वर्ड्स अगेन. हमारा फर्स्ट वर्ड है डेफ, डी ई ए एफ डेफ. हमारा सेकेंड वर्ड है डियर, डी ई ई आर डियर. हमारा थर्ड वर्ड है डेन, डी ई एन डेन. हमारा फोर्थ वर्ड है डाइस, डी आई सी ई डाइस. हमारा फिफ्थ वर्ड है डिक, डी आई जी डिक. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करेंगे और जब आप इनको लर्न कर लेंगे तो फिर आपकी मदर आपको ये वर्ड्स आपकी इंग्लिश होमवर्क कॉपीज़ में लिखवा देंगी. एंड बिफोर राइटिंग दीज वर्ड्स, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर पेज बाय राइटिंग द डेट द डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज. And please write correct heading English Dictionary week number 17 very neatly and don't forget to number these words so your work looks very neat and clean. I hope you got it. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourselves.